गोंडा में इन दिनों यूपी एटीएस की लगातार छापेमारी हो रही है, चाहे पहले सद्दाम शेख का मामला हो या फिर राकेश भुजवा का। लेकिन बीते दिनों यूपी एटीएस ने मोहम्मद रईस को हिरासत में लिया था, पूछताछ के लिया था, लेकिन आज यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि वो आईएसआई का एजेंट था। इस समय उनके घर पे हैं, ये उनका घर है, जो मोहम्मद रईस हैं उनका घर है, उनकी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं और ये इनके पिता हैं हुसैन। तो जिस तरीके से यूपी यूटीएस ने उनको बीते दिनों गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ किया है और आज प्रेस नोट जारी किया है, खुलासा किया है, इन सब बातों करने के बारे में बात करने के लिए हम उनके जो हैं मोहम्मद रईस के माता जी के पास हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका जो जिस तरीके से अब नाम आ रहा है कितना था और क्या उसमें संलिप्तता थी, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? नूरजहां। जिस तरीके से आप के बेटे का नाम चल रहा है, क्या कितनी सच्चाई है? हाँ, तो नूरजहां हमारा नाम है, मोहम्मद रईस हमारे लड़का का नाम है। हाँ, मोहम्मद रईस नाम है। देखिए, आज सुनने में आ रहा है, जो जानकारी हुई है कि वो मुंबई में काम करता था, तो मुंबई में क्या काम करता था, कितने दिन से रहता था, क्या था? होटल में काम करत रहे बम्बई में। हाँ, होटल में काम करत रहा लड़का हमारा। कब यहाँ आता था, कुछ कुछ बात होती थी? अब जब यहाँ आवे रहा था, त्यू त्यौहार पर तो आवत रहे, और नहीं वैसे जीव घबराए तो चला आवत रहे, नहीं कहो शादी ब्याह खास में पर जात रहा तो आवत रहे। मुंबई कब गए थे वो, कितने साल पहले? मुंबई गए रहा 5-6 साल पहले। हाँ, अच्छा, पुलिस कब आई थी, क्या आपसे बात हुई, क्या क्या पेपर लेके गई है? अब पुलिस आई रहा बुध का। हाँ, वही 4 या 4:30 बजे टाइम लेके गवा है। क्या बात हुई थी? अब बात कुछ नहीं भवा है, यहाँ खाली रही इसका बलाई लीने लेके चला गया। क्या कहे? कहें कि चलो वहाँ थाना पर कुछ दस्तखत करे खा। हाँ, पेपर क्या क्या लेके गए थे? पेपर आधार लेके गए हैं और मोबाइल ले गए हैं, बस। अपने ढूंढा नहीं कि कहाँ कहाँ ले गए, क्या बात हुई? हाँ, हमें नई जानकारी भवा है, कहें अब छोड़ दे भाई। तो कितनी पढ़ाई किए हुए थे, मोबाइल पे कितने घंटों तक काम करते थे वो? अब पढ़ाई बराहमा की यहाँ है। पढ़ाई बराहमा की यहाँ है। हमारे साथ और बात करने के लिए उनके पिता हुसैन हैं। जिस तरीके से आपके बेटे को कुछ दिनों पहले पुलिस पकड़ गई थी, क्या बताया था? बताया था कि तरहगंज तहसील मतलब थाने में ले जा रहे हैं, इनका दस्तखत करके अभी जो है छोड़ देंगे। तो कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, घर से कमाई कैसे चलती है, खर्चा? हमारी कमाई साइकिल ही पंचर बनाते हैं, साइकिल का हिस्से से काम चलता है, कोई 40-50 रुपये का धंधा है, वैसे काम चला था शायद। कितना पैसा भेजते थे रईस आपके घर पे? अब रईस हमें बस कहूँ 4,000, कहूँ 3,000, कहूँ 5,000 ऐसे भेज दिन करते रहे, अपनों खर्चा चला होते। तो जिनके परिवार वाले हैं सब सारी बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यूपी एटीएस ने बड़े खुलासे किए हैं, कि जिस तरीके से जो है बताया है यूपी एटीएस ने प्रेस नोट में कि जो है पाकिस्तान के कुछ एजेंट भारतीय नागरिकों को बहलाकर धन के लोभन में एजेंट बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में शहादत के लिए इनको बगलाया गया था, और मोहम्मद रईस कुछ सालों पहले मुंबई में गए थे जहां से उनसे एक युवक से पहचान हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने पाए गए, उनके पास से कई डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले में यूपी एटीएफ जाँच कर रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से सद्दाम शेख या राजीव भुजवा या रईस के बाद पुलिस अब कितने लोगों को हिरासत में लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चाची, आपका क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? नूरजहां नाम है, तरफगंज दीनपुरा रहने वाली है। आपके कितने बेटे हैं और क्या नाम है? 4 बेटे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद समी और मोहम्मद शफीक और मोहम्मद रईस और मोहम्मद आरिफ। अच्छा, ये रईस अहमद को पुलिस पकड़ लेके गई है, कब लेके गई है? बुध के यहाँ। कब लेके गई है? बुध के दिन। कितने लोग थे जो आए थे यहाँ? 2 जने रहे। किस वर्दी में थे? नहीं, एक जने सादा लिबास में रहे, एक जने वर्दी में रहे। क्या कहे थे वो? वो यहाँ कहीं ना कि मतलब चले थाना तक दस्तक करे के अब आई गई है, बस वहीं से लेके लखनऊ चला गए। और क्या क्या लेके गए थे रईस अहमद का? हाँ भैया, और कोई नहीं, नहीं और कुछ नहीं, खाली आधार है रईस के साथ, मोबाइल सब उनके हाथ में है, ये लेके गए चक्रे हाथ में। अच्छा। हाँ, तो ये रईस कहाँ रहते थे और कब गए थे? पहली बार कब गए थे? मुंबई। अब वही 6-7 साल के पहले गए रहा, बताना ना ही यादगार है। क्या करते थे? होटल में काम करते रहे। कितने रुपए वहाँ से भेजते थे लगभग? अब ऐसे बताए तो है कि जो विचार से अपन जो खाए पिए बचत रहा उनके, और 5,000 से 5,000 से ऊपर नहीं भेजेंगे। आए थे यहाँ? अब जल्दी इसके कब आए थे?
अब आए रहा वही 15 मई में शादी रहा तो करे 15-20 दिन के पहले आए। यही साल 15 मई? हाँ हाँ यही साल 15 मई। पढ़ा है 12वां। अच्छा कोई आपके पाकिस्तान में भी है क्या? हाँ हमारे नंद रहती बड़े ससुर के बिटिया है। कहाँ पर रहती है? अभी नहीं पता, पाकिस्तान जानी थी। बातचीत तो होती होगी इनसे फोन पे? हाँ कब्बो कदार वैसा है। आना जाना भी होता होगा? आना 15-20 साल पहले आई रहा। बातचीत होती होगी? हाँ कब्बो कदार जैसे मई का है उनका। हाँ क्या बातें होती थी जिसे? अब बस हाल चाल दुआ सलाम, अब उनका ही भैया भतीजा है और हमारे सबका नंद लाग है, बस यही हाल चाल। उनका भाई भतीजा कौन है? अब उनका भाई भतीजा पति दरिया में है, बड़े ससुर का हुए बिटिया हुआ है। अच्छा ये बताइए रईस से भी उनकी बात होती थी क्या? हाँ हाँ भतीज सभी हुए उनका, रईस सब। हाँ रईस से बात होती थी? हाँ रईसों से बात होती रही भैया, कब्बो का दार, कब्बो का दार। जिस तरह की बात निकल के आ रही है हाँ, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसे से उसका कहीं संपर्क था, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा नहीं तो संपर्क जो रहा तो ये रिश्तेदारी रहा, वो रिश्तेदारी के हिसाब से बात बत कही हुआ था। जिस तरीके से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आप बताया कि वो पैसा लेकर के भारत की जानकारी पाकिस्तान को देता था? ना ही पाकिस्तान का कहा दिया रहे पैसा था ना उनके लिए कम ही वही नहीं रहा। अब जो जानकारी यहाँ की जो सैन्य सुविधाएं थी वो सब वहाँ पे साझा करते थे, पैसा लेते थे पाकिस्तान से उसके बदले जानकारी देती थी, ये सब हमें नहीं पता है। क्या चाहती है आप सरकार से? अब सरकार से यहाँ चाहिए है कि लड़का हमारा, हम अपने लड़का का कोनो जानकारी नहीं चाहता रहे जानित है, और सरकार से हम यहाँ चाहिए है कि लड़का हमारे एक चक्कर माफ कर दी जाए, अगर लड़का है गलती की तो एक चक्कर माफ कर दी जाए। तो बड़ी बात है जो देश की जानकारी को साझा करना है हमारे पड़ोसी देश को पाकिस्तान, ये छोटी बात तो है नहीं। माफी की बात जो आप कह रही कैसे जान पर तीन जाए, जो हमें जानकारी ना है तो हम कैसे बताए दे। दादी क्या नाम है आपका, आपके बेटे क्या नाम था? हमारे बेटा का मोहम्मद रहीस, हमार नाव नूरजहां। कोई पुलिस आई थी कब? क्या आई थी? हाँ एक जने सादा लिबास में रहे, एक जने वर्दी पहने रहे। कब आए थे? हाँ बुध का। क्या करने आए थे? अभी हमें नहीं पता लगा कि क्या करे आए हैं, हमारे लड़का का खाली पकड़ लिए है। ये रहीस कहाँ रहता था? ये रहीस बम्बई रहा। क्या करता था? अब वहाँ यही होटल में काम करत रहे। पहली बार कब बम्बई गया था कमाने के लिए रईस? अब वही रहे 15-16 साल के तब गए है बम्बई। ये कितने साल पहले लगभग? अब लगभग 4-6 साल पहले वो गए हुए हैं, अब इतना साहब याद ना ही है हमारे। अच्छा ये बताइए जिस तरीके से रईस आपका फोन करा तो क्या बात होती थी आपसे? कहाँ रही से बम्बई? बम्बई तो अच्छी तरीका से बात होता रही लड़का से हमारे। हाँ अच्छी तरीका से हमारा लड़का बतवा रहा हमसे। हाँ रईस का पासपोर्ट भी बना है क्या? अब हम न बता पाए। कितना पढ़ा आपका बच्चा? 12वां पढ़े हैं। कहाँ से पढ़ाई? यही है महाराजा से। हाँ शादी कब हुई इसकी? 15 मई का। इसी 15? हाँ इसी 15। कहाँ हुई है शादी? कौन सा बात? अच्छा ये बताइए कभी रईस ने आपको ज्यादा पैसा भेजा हो? नहीं नहीं बस 2-3 हजार, ज्यादा ज्यादा 5 हजार, जौन उनके खाए पिए बचत रहा उतना भेजत रहे। अच्छा ये जब आए थे शादी में 15 मई को शादी से कब आए, कितने दिन पहले आए थे? शादी से 15-20 दिन के पहले आए। अच्छा, हाँ। कितने रुपए लेकर के आए थे वहाँ से? 15-16 हजार लेके आया था, तो हम यहाँ वहाँ कर्जा वर्जा लेके आए रहा। अच्छा। हाँ वहाँ कर्जा वर्जा लेके आया रहा कि शादी शुदा है। हाँ पुलिस आई थी शादी, क्या बात किया, क्या बोल रहे थे वो लोग? वही सब कुछ नहीं बोले, यह कहें कि चलो होटल में काम करते रहे तो हर जांच पड़ताल हुए, बस यही इतना बात भवा है। और क्या क्या पेपर ले गए उनके साथ? क्या 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 कागज ले गए? बस खाली उनका मोबाइल ही आधार है वो लेके गए। हाँ आपसे क्या बताए? हाँ साहब आपसे क्या बताए थे कि ले जा रहे हैं? अब आधरवा मोबाइल ले गए हैं। अच्छा आप लोगों ने पूछा उनसे कि क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ कहें कि अब यहाँ थाना से आवत है। अच्छा रईस के ऊपर इससे पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है यहाँ? नहीं 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 कुछ नहीं है। यहाँ पर कितने उसके दोस्त हैं रईस के? अब बाहर क्यों हुए वो का नहीं पता है। यहाँ पर लोकल नहीं नहीं है तो कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए कभी क्या आपके यहाँ सद्दाम शेख नाम का कोई व्यक्ति आता था? नहीं नहीं क्यों नहीं आवा है। अच्छा ये बताइए जब रईस यहाँ उसको ले गए UPATS वाले, तो आप लोग उसको ढूंढने कहीं गए थे? अब ढूंढे गया रहा लड़के हमारे लखनऊ तक गए। हाँ वहाँ लखनऊ ही गए रहा। हाँ तो क्या साहब नंबर दे गया रहा और नंबर ले गया रहा। क्या कहे वहाँ वो? तो कहें कि अभी अंदर है वही मुलाकात ना हो पाए। कब गए थे? अब जैसे बुद्ध कहे वही ले गए हैं और ये सब गए हैं बीफ है कहीं।
अच्छा। और एक लड़का परसों गवा है तो काल वापस भवा है लखनऊ से मझिल का हमार। अच्छा हाँ। कितने लड़के हैं आपके? चार लड़के हैं। कितनी लड़कियां हैं? तीन हैं। ये किस नंबर पे था रहीस? हाँ। रहीस रहे तीसरे नंबर पर, लड़का से तीसरे नंबर। मुख्य व्यवसाय क्या, कैसे खाना पाना करते हैं, कैसे कमाते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं आप लोग? हम हमारे यहाँ साहेब यहाँ अंचर पंचर बनत है साइकिल का। अच्छा हाँ आपके लड़के क्या करते हैं? और एक लड़का वहाँ बड़का बड़ो लड़का पंचर बनावत है, साइकिल काम करता है, बनाता है? या ही है ढोड़ेपुर। और वो तीसरा नंबर वाला? तीसरा रहीस। दूसरे नंबर वाला लड़का क्या नाम है? हाँ ओकर जो आरिफ नाम है। वो क्या करता है? वो बम्बई में बेकरी में रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।